नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंटीमेट दुनिया में। यहाँ पर आपको सस्पेंस, क्राइम, लव एंगल, हर तरह की अतरंगी कहानियाँ देखने को मिलेंगी। ऐसी स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल इंटीमेट दुनिया को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी एक स्टूडेंट के अट्रैक्शन पर आधारित है, तो शुरू करते हैं। ओलिविया एक स्कूल टीचर थी। वहाँ एक सुंदर सा शरारती लड़का था जिसका नाम जैक था। ओलिविया की क्लास में पढ़ाते वक्त वह ओलिविया को देखते रहता था, मानो वह ओलिविया को देखते वक्त वह खुद का होश खो बैठता हो। यह देखकर ओलिविया भी उसके और अट्रैक्ट हो जाती थी और वह समझ नहीं पा रही थी कि वह जैक से कैसे बात करें, क्योंकि वह ओलिविया का स्टूडेंट था। कभी कभी जैक ओलिविया के इतना करीब आ जाता है कि ओलिविया भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती है। इसीलिए ओलिविया उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उससे जितना हो सकता वह उतना ही जैक से दूर रहने की कोशिश करती। एक दिन ओलिविया स्कूल में पहुंचकर स्टूडेंट का एग्जाम लेने के लिए उन्हें पेपर बांट रही थी और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद उन्हें लिखना शुरू करने के लिए कहती है। अचानक वह नोटिस करती है कि जैक पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा है और ओलिविया की तरफ ही देख रहा था। ओलिविया उसको इग्नोर करके अपना काम करने लग जाती। क्लास खत्म करने के बाद वह अपनी बेटी डेजी को स्कूल लेने जाती है। डेजी उसे गले लगाकर बोलती है कि स्कूल बहुत ही बोरिंग था। यह सुनकर ओलिविया हंसने लगती है। तभी उसकी नज़र जैक पर पड़ती है जो अपने डॉग के साथ होता है। ओलिविया थोड़ी देर जैक को देखने के बाद वहाँ से चली जाती है। जब लंच के टाइम ओलिविया चाय पी रही थी तभी अचानक उसकी नज़र रास्ते में जैक पर पड़ती है और वह देखती है कि जैक सोफिया को परेशान कर रहा था। जैक सोफिया के बैग का सभी सामान रास्ते में फेंक देता है। इस इंसिडेंट के बाद ओलिविया स्टाफ रूम में बैठी दूसरी टीचर से पूछती है कि जैक का क्या प्रॉब्लम है और जैक कैसा लड़का है। यह सुनकर टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ओलिविया क्या कहना चाहती। दूसरे दिन ओलिविया जैक से कहती है कि वह उससे कुछ बात करना चाहती है और कहती है कि उसे अपने क्लास की लड़कियों को सताना नहीं चाहिए। ओलिविया उसे समझाते हुए पैर के घुटने पर हाथ रखते हुए कहती है कि उसे कुछ हेल्प चाहिए तो बिना शर्माए बताएं। फिर जैक उसके हाथ की तरफ देखकर हंसने लगता है। वह तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। फिर जैक कहता है कि उसे नहीं लगता कि ओलिविया उसका सच में कोई हेल्प करना चाहती। ओलिविया कहती है कि उसे जैक के फ्यूचर की फिक्र है कि पिछले टेस्ट में वह फेल हो गया था। ओलिविया की बात सुनकर जैक और भी हंसने लगता है और कहता है कि ज्यादा घुमा फिरा कर बात करके टाइम पास करने के बजाय वह उससे क्या चाहती है वह बताए। यह सुनकर ओलिविया के मुँह से कोई जवाब नहीं निकलता। वह मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि क्लास के बाद वह देखती है कि जैक का बैग क्लास के फ्लोर पर पड़ा हुआ था और वह उसका बैग उठाती है और चारों तरफ देखकर उसका बैग खोलती है और उसका कपड़ा निकाल कर सूंघती है और जल्द से कपड़े को बैग के अंदर रख देती है। फिर दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर वह बाथरूम में चली जाती है और वह छुप कर बेसिक से पानी पीने लगती है और अचानक जैक को सामने देखकर घबरा जाती है। फिर जैक बिना डरे ओलिविया को अपनी बाहों में जकड़कर किस करने लगता है और उसके दोनों निप्पल दबाने लगता है। ओलिविया उसका हाथ हटा देती है। फिर जैक मुस्कुराते हुए अपना वहीं पर हाथ रख देता है और उसको नेक पर किस करने लगता है। ओलिविया अपना होश खोने वाली होती है तभी वह खुद को कंट्रोल में कर लेती है और जैक से कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा यह सब नहीं होना चाहिए और जैक को वार्न करते हुए कहती है कि इस हरकत के लिए वह जैक को स्कूल से निकलवा भी सकती है। और जैसे ही ओलिविया यहाँ से जाने लगती है तभी जैक कहता है कि ओलिविया खुद उसके साथ यह सब करना चाहती है। तो ओलिविया कहती है कि वह अपने किसी भी स्टूडेंट को प्यार नहीं कर सकती। फिर अगले दिन जैक ओलिविया से कहता है कि क्लास के बाद वह ओलिविया से मिलना चाहता है पर ओलिविया मिलने से इनकार कर देती है। ओलिविया कहती है कि कल उनके बीच जो कुछ भी हुआ था उसके लिए वह बहुत ही शर्मिंदा है। वह जैक से कहती है कि वह उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे, कहकर ओलिविया वहां से चली जाती है। फिर पार्किंग में जाकर देखती है
उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ था और उसके कार पर स्क्रैच भी लगा हुआ था। फिर वह कार में बैठकर अपने घर चली जाती है। ओलिविया जैक के बारे में सोच रही होती है, तभी उसका हस्बैंड एथन उससे पूछता है कि उसके कार में स्क्रैच कैसे आया, और वह कहती है कि वह एक खंभे से टकरा गई थी, उसके कारण स्क्रैच हुआ है। तभी एथन कहता है कि खंभे से इस तरह का स्क्रैच कैसे हो सकता है, तो वह कहती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर वह ओलिविया से कहता है कि तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन उसके फोन पर कोई बार बार रिंग करता है। जब ओलिविया फोन उठाती है तब फोन के दूसरी ओर से कोई कुछ नहीं बोलता। फिर अगले दिन ओलिविया स्कूल जाती है तो टाइम से पहले जैक को बैठा हुआ देखकर वह डर जाती है और स्कूल के रिसेप्शनिस्ट को जाकर कहती है कि उसकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही। इसके बाद वह घर चली जाती है। रात को खाना बनाते समय एथन उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा गया, तो वह एथन से झूठ बोलती है कि वह सारा दिन स्कूल में थी और अगले दिन वह स्कूल में नहीं जाती और नदी के किनारे बैठकर केला खाती है। और फिर वह म्यूजियम चली जाती है और पेंटिंग को देखने लग जाती है। तभी अचानक उसकी नज़र म्यूजियम में जैक पर पड़ती है। वह उसे देखकर घबरा जाती है और जल्द से वहां से निकलने की कोशिश करती है। लिफ्ट में जैक के साथ आमना सामना हो जाता है। जैक ओलिविया से कहता है कि वह ओलिविया को बहुत याद कर रहा था और फिर ओलिविया के सीने के नीपल को दबाने लगता है और ओलिविया भी अपना कंट्रोल खो बैठती है और उसे किस करने लगती है। और फिर जैक वहां से चला जाता है। उस रात ओलिविया को नींद नहीं आ रही थी और वह जैक के बारे में सोचकर इमेजिन कर रही थी कि वह जैक के साथ टपाटप कर रही है, और अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वह यह सोचकर घबरा जाती है कि उसके और जैक के बारे में स्कूल के लोगों को पता ना चल जाए। इसीलिए अगले दिन ओलिविया स्कूल आती है और चुपके से ओलिविया सिक्योरिटी रूम में जाती है और वहां से एग्जाम पेपर चुरा कर लाती है। जब सारे स्टूडेंट लंच करने जाते हैं तब वह जैक को फंसाने के लिए एग्जाम पेपर को उसके बैग में रख देती है। दूसरे दिन ओलिविया स्टाफ रूम में बैठकर देखती है, जैक को सिक्योरिटी वाले पकड़ कर ले जा रहे हैं और अब एग्जाम पेपर चुराने के वजह से जैक को स्कूल से निकाल दिया जाता है। और उसके जाने के बाद ओलिविया जैक को बहुत मिस करने लगती है, हर बार उसके साथ बिताया हुआ दिन याद करने लगती है। उस रात जब ओलिविया की फैमिली सो रही होती है तो उसे बार बार घर के मेन डोर पर किसी की आवाज सुनाई देता है। असल में वे इसका वहम था। जब वह मुड़कर देखती है तब वह आवाज शांत हो जाती है। वह मेन डोर बंद करके फिर से इमेजिन करती है कि जैक के साथ वह टपाटप कर रही है और यह इमेजिन करते हुए पूरी रात बीत जाती है। और वहां एथन के आ जाने से उसका सपना टूट जाता है और एथन उसे हग करता है और उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। ओलिविया अपने पति की तरफ देखती है और उसे एहसास होता है कि वह अपने पति को धोखा दे रही है। फिर हम देखते हैं ओलिविया कुछ दिन बाद जैक के घर पहुंचती है और थोड़ी दूरी पर अपनी गाड़ी पार्क कर जैक का वेट करती है। तभी जैक अपनी बाइक लेकर आ जाता है। ओलिविया उसका पीछा करती है, सुनसान जगह पर पहुंचकर जैक की बाइक को अपनी कार से उड़ा देती है और जेक को मार देती है ताकि यह मौत सबको एक्सीडेंट लगे। ओलिविया अपनी जिंदगी से जैक को हमेशा के लिए हटा देती है और ओलिविया जैक का मर्डर करने के बाद बेखौफ अपनी फैमिली के साथ रहती है।